कैंची से कपड़ा काटने लगे और कपड़ा ना कटे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैंची की धार को तेज करने का सबसे आसान तरीका, जिससे कि हम घर में ही कैंची की धार को तेज कर सकते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़े। तो यहाँ पर मैंने दो कैंची ली है, एक मेरी किचन की कैंची है और एक मेरी कपड़े काटने वाली कैंची है। तो हम पहले दोनों ही कैंची से कपड़ा काट कर देखते हैं कि ये कितनी तेज है, कपड़ा काटेगी या नहीं। तो ये मेरी कपड़ा काटने की कैंची है, जिसे मैंने सिर्फ कपड़े काटने के लिए ही रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इससे कपड़ा बिल्कुल भी नहीं कट रहा। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी कैंची से काम करते वक्त कितनी इरिटेशन होगी। तो अभी दूसरी कैंची भी चलाकर देखते हैं। ये किचन की कैंची है, जिससे कि मैं सिर्फ दूध के पैकेट काटती हूँ या राशन के पैकेट ही काटती हूँ। तो इसकी भी धार खत्म हो चुकी है, तो कपड़ा बिल्कुल भी नहीं कटा। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। कैंची की धार को तेज करने के लिए हम कोई भी कांच की बेकार पड़ी बोतल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सॉस की छोटी बोतल ली है, आप चाहें तो आप कोई भी बोतल ले सकते हैं। तो हमें इसकी नेक पर कैंची चलानी है और ऐसा हमें कम से कम 1 मिनट के लिए करना है। बोतल की नेक पर कैंची चलाते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। तो अभी हम कैंची को चेक करते हैं, इससे कपड़ा काट कर देखते हैं कि ये कितनी शार्प हुई है, कपड़ा काटती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कपड़ा कितनी आसानी से कट रहा है। तो अभी दूसरी कैंची को भी शार्प करते हैं। तो कैंची को सीधा ही पकड़ेंगे और बोतल की नेक को कैंची से काटने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा 1 मिनट के लिए करेंगे, इसी तरह से कैंची चलाएंगे। अगर आपको कैंची तेज करने का ये तरीका अच्छा लगा हो, ये वीडियो यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मोनिकास DIY को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी इस कैंची को भी हम चेक करते हैं कि ये कितनी शार्प हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कैंची कितनी तेजी से कपड़ा काट रही है, जो पहले बिल्कुल भी नहीं काट रही थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।